वेलकम टू व्लॉग। एक और वीडियो में आपको स्वागत करते हैं। आई एम रणधीर यादव, फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और फिलहाल मैं अपने हॉस्टल के पास ही हूँ और आज मैं जा रहा हूँ एनाटॉमी डिपार्टमेंट। बहुत बच्चों का क्वेरी था कि भैया आपने एनाटॉमी डिपार्टमेंट में कुछ नहीं डाला है। ये राहुल है, सेकेंड ईयर का हमारा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। और बाकी हम देखेंगे कि ये हमारा हॉस्टल के आसपास का ये व्यू है। आप मेरा पुराना हॉस्टल का वीडियो देख सकते हैं। बाकी चलते हैं। और थोड़ा सा धूप हो रखा है, समारा में समर्स आ गई काफ़ी अच्छे तरीके से। बाकी एनीवे मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, चीज़ें कैसे यहाँ हॉस्टल से जाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं रास्ते के बीच में जब आप एनाटॉमी डिपार्टमेंट वगैरह जाते हो। सो लेट्स द वीडियो बिगन फ्रॉम हेयर। ओके, तो भाई ये था, यहाँ से हम निकल आए। और ये आपको जैसे कि पता होगा कि हॉस्टल यही है हमारा समारा का। ठीक है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट व्यू हो सकता है तो मैं दिखाता हूँ लेंथ। हाँ, ये थोड़ा मैं मतलब शॉर्ट व्यू में लिया है। ये हॉस्टल है अपना, ठीक है। प्रॉपर समर का टाइम है, ऐसा ग्रीनरीज टाइप से हो गए हैं। और मेरे साथ जा रहा है राहुल। और फिलहाल हम चलेंगे अपने हॉस्टल के, हॉस्टल से निकल के, और मैं दिखाऊंगा कि बस स्टॉप पे कहाँ पे, बिल्कुल पास में ही है। तो जैसा कि आप पुराने वीडियोस में देखोगे ना मेरा हॉस्टल का, तो उसमें आपको दिखाया है मैंने कि बस स्टॉप कहाँ पे, बिल्कुल पास में, ज़्यादा दूर नहीं है। और बाकी आप वीडियो में सारी चीज़ें देखते जाना, धीरे धीरे कैसे कहाँ तक पहुँचते हैं, क्या क्या चीज़ें पड़ती है बीच में, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल राहुल हमें लेके जाएगा। राहुल हमें कहाँ ले जा रहे हो बताओ? तो ये आज मुझे ले जाएगा एनाटॉमी डिपार्टमेंट, वहाँ पर दिखाएगा। बाकी चीज़ें देखेंगे क्या है नहीं है। प्लान यही है कि जाएंगे एनाटॉमी डिपार्टमेंट वगैरह देखेंगे, थोड़ा बहुत बात करेंगे और आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे एनाटॉमी डिपार्टमेंट के बारे में समारा का। और अभी क्या होगा ना कि यहाँ पर पता नहीं क्या है यार, कि फूल के पता नहीं, ऐसे लग रहे हैं कि कॉटन का कुछ ना कुछ उड़ रहा है ऐसा। जब यहाँ पर ये आती है ना कि स्प्रिंग सीजन आता है, जैसे समर थोड़ा सा आता है, तो मतलब पूरा ऐसा ही सीन हो जाता है। आपको कई चीज़ें में दिख रहा होगा, अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा तो मैं दिखा सकता हूँ। वेट, अगर आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा तो आप ध्यान से देखो, ये एक्चुअली समर स्नोफॉल नहीं है, ये डेंडलियंस है जो कि रशिया में बहुत फेमस है। जब समर आता है तो काफ़ी इस तरह से होता है। इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि इसके कारण ना बहुत सारे लोगों को मतलब एलर्जिक प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि ये इनहेल कर लेते हैं फिर जाता है, फिर वो एलर्जी काउज करता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो गाइस धूप काफ़ी ज़्यादा हो गया है आज, तो मतलब आज मतलब मौसम इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि मुझे नहीं पता सीरियसली, ये 22 डिग्री के आसपास हो गया है। अभी तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होगा, मेरे हिसाब से जब इंडिया में गर्मी होगी वो अप्रॉक्स होगी आपको करीब 48 से 50 डिग्री कई जगह गए हैं। बट आई होप कि फिर भी मैं ठीक और सेफ जगह हूँ रशिया के अंदर अभी। और बाकी हम चलेंगे, 24 नंबर बस जाएगी यहाँ से, क्या बोलते हैं, एनाटॉमी डिपार्टमेंट, और वहाँ पर जाके देखते हैं क्या चीज़ें। आपको जो चीज़ें अगर लगेगा समझ में आता है तो आप बताना, नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा क्या क्या चीज़ें। बेसिक तो मैं ये कवर करने वाला हूँ कि यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो कैसे हैं और क्या क्या चीज़ें क्लासेस में, और बच्चों को किस तरह से पढ़ाए जाते हैं, और जो एनाटॉमी का जो डिपार्टमेंट का हेड है या टीचर्स वगैरह हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आप किस तरह से बच्चों को प्रिपेयर करते हो, कैसे सब्जेक्ट को समझाते हो, वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, कंप्लीट देखना। तो ये हमारा बस आ गया 41 नंबर, जिस बस से हम जाएंगे। और 41 से थोड़ा चलना पड़ता है, 24 से बिल्कुल कैंपस जो हमारा क्लास है उसके बिल्कुल पास में उतारते हैं। बाकी इस टाइप का यहाँ पर बसेस हैं जो मैं आपको दिखा दिया। बाकी चलते हैं बस के अंदर। बस में ये बस सिंबल्स है, आप लोग पहले बस में जो भी लोग हैं उन्हें उतरने दो, फिर आप आराम से जाओ। और ये है यहाँ का बस, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे टिकट जो आपको मिल गया, यहाँ पे 18 रूबल का टिकट है। आपको एनाटॉमी डिपार्टमेंट जाना है तो बिल्कुल सिंपल है। और ये जो कार्ड था ना, ये वाला कार्ड, ये कार्ड एक्चुअली यहाँ का मतलब यहाँ का स्टूडेंट कार्ड है, इससे ट्रेवल करते हैं। और इसमें रिचार्ज कर लो 200-300 जितना आपका मर्जी रिचार्ज कर लो, रिचार्ज मेट्रो स्टेशन के पास में जाता है। और बस सिंपल है, इसको लाओ, पंच करो ATM कार्ड की तरह और आपको ये टिकट मिल जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो। और इसमें डिस्काउंट होता है, जो भी स्टूडेंट है उसको 50% डिस्काउंट होता है। तो ये है बस, बस चल रही है और मैं बस का शॉट ले रहा हूँ पूरा। और भाई यहाँ पे कंडक्टर जो होते हैं ना, ये मोस्ट ऑफ द जो रशिया के अंदर जो कंडक्टर होते हैं ना वो गर्ल्स होते हैं। ठीक है, गर्ल्स के मतलब जो अप्रोक्स 45-60 के आसपास आ जाते हैं वो कंडक्टर बन जाते हैं। गाइस ये था, बस आ गया मैं और ये बस आ गई। ये है एनआर डिपार्टमेंट के कैफ़े, एनआर डिपार्टमेंट कैफ़े नहीं, एनआर डिपार्टमेंट के पास है ये कैफ़े एक्चुअली।
और ये बस स्टॉपेज थी जहाँ पर हम लोगों ने उतरे थे। और बाकी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है अप्रोक्स 1 मिनट लगेगा और हम लोग चले जाएंगे वहाँ पे। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल बस स्टॉप के पास में ही आपका डिपार्टमेंट। सो गाइज, हम बस से उतर के इधर डिपार्टमेंट के पास आ गए हैं बिल्कुल ही। और विंटर के टाइम में आपने मोस्ट ऑफ द वीडियोस हमारा का देखा होगा कि विंटर के टाइम में कैसा होता है जब बच्चे आते हैं, पर ये समर का टाइम है जिसमें आपका एग्ज़ाम्स वगैरह होगी यहाँ पर, जब आपका जब आओगे एक फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद। और ग्रीनरीज काफ़ी बढ़ जाता है समर में, और आपको दिख रहा होगा कि जो इस साइड का जो एरिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि मिड ऑफ द सेंटर के पास में है, ठीक है। और हॉस्टल से जो आपका डिस्टेंस पड़ेगा अनाटमी डिपार्टमेंट का, वो अप्रोक्स पड़ेगा बस से करीब 15 से 20 मिनट के आसपास। बट आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने दिखाया कि आपको बस में आराम से ठीक जगह मिल जाती है, बस में आराम से जा सकते हो और सीट्स वगैरह मतलब आसानी से मिल भी जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 18-19 रुबल है, इंडिया के हिसाब से देखो तो 15 रुपये का आसपास भाड़ा लगता है। आपको आराम से आ जाओ, स्टूडेंट कार्ड में रिचार्ज करवा लो, बस रिलैक्स रहो बाकी चीज़ें। और रिचार्ज ऐसा नहीं कि हर बार कराना पड़ता है, मेट्रो स्टेशन पर जाओ, एक बार में 200-300 रुपये डाल दो, बस आपका रिचार्ज हो गया है। और यही सब चीज़ें, बाकी अनाटमी डिपार्टमेंट के रूट में जब जाओगे तो इस तरह का जो आपको आसपास कैफ़े वगैरह मिलेगा खाने पीने के लिए, और जैसे कई बार आपको KFC मिल जाएगा, कई बार आपको बर्गर किंग वगैरह मिल जाएगा। और यहाँ पर जो रशिया में है उसको वक्रूजना ही तो उसका कहते हैं, या रोस्टिक के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रशिया में जब सेंक्शंस लगे थे ना, तो उसके कारण बहुत सारे नाम्स जो है ब्रांड का चेंज हो गए। बाकी जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। टेस्ट सेम है, सब कुछ सेम है। बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं कि जब एक बार वॉर हुआ है तो वॉर के बाद चीज़ें चेंज हुई है, बस ये हुआ है कि नाम वगैरह चेंज कर दिया। बाकी सब चीज़ें अवेलेबल है यार, सारे ब्रांड्स, सारे फूड कोर्ट, ये वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण आपका लाइफ स्टाइल जो है इफेक्ट नहीं करेगा बिल्कुल भी। ये है एनाटॉमी डिपार्टमेंट, ये पूरा बिल्डिंग ही है एनाटॉमी डिपार्टमेंट का। और इसके आसपास जो चीज़ें हैं वो आप बैठ सकते हो आराम से, पार्किंग वगैरह के लिए हैं। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में आते हैं वो यहीं क्लासेस लगती है एनाटॉमी डिपार्टमेंट में। सो गाइस, मैं आ गया हूँ और बेसिक चीज़ें मैं बता दूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपका यहाँ जो क्लासेस लगती है वो हिस्ट्रो की लगती है, अनाट की लगती है, टोपोग्राफी एनाटॉमी कभी कभी क्लासेस लगती है, और जो लगती है नर्सिंग क्लासेस लगती है। ये सब सारी क्लासेस यहाँ पर लगती है ये बिल्डिंग में। और कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर जो स्पेशली फूड के हिसाब से कि आपको क्या मतलब मिल जाता है कैंपस के, जो एनाटॉमी कैंपस है उसके आसपास क्या क्या चीज़ें मिल जाता है, तो पास में उस साइड को आपको सुपर मार्केट पड़ेगा जिधर को आपको खाने पीने के लिए चीज़ें मिल सकती है। और वोल्गा, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारे में वोल्गा है, तो वोल्गा के लिए ये रूट जा रहा है बिल्कुल, आप यहाँ से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे वोल्गा है, तो एक मतलब काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है और अट्रैक्शन पॉइंट है ये चीज़ इस मतलब डिपार्टमेंट का, कि बच्चे आते हैं यहाँ पर क्लास वगैरह करते हैं, करने के बाद या तो फूड कोर्ट वगैरह में खाने के लिए जाते हैं, नहीं तो फिर वो बच्चे क्या करते हैं फूड कोर्ट से खाना लेकर और फिर जाते हैं वोल्गा रिवर पर, आराम से बैठते हैं, बातचीत करते हैं और क्लासेस को कवर करते हैं। और हम चलते हैं अंदर की तरफ, सो लेट्स गो हियर। तो सबसे पहले हम ड्रेस चेंज कराएंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट है जहाँ से हमें जाना है अंदर, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर, कार्ड आराम से टाइप किए और अंदर की तरफ चल रहे हैं, और यहाँ पर ड्रेसेस वगैरह चेंज करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। और बाकी मैं दिखाता हूँ, ये ऊपर जाने के लिए बिल्डिंग है और यहाँ से हमने ड्रेसेस वगैरह चेंज कर लिए हैं, बाकी चलते हैं। और ये वाला कैफेटेरिया है जहाँ पर बच्चे कई बार खाने पीने के लिए आते हैं, बिल्कुल ये देख लो, यहाँ पर फूड कोर्ट में सब कुछ मिल रहा है। और यहाँ पर एक कॉफ़ी की मशीन लगी है, और ये कॉस्ट करता है अप्रोक्स 1 कप ऑफ कॉफ़ी इक्वल टू 100 रूबल्स, तो ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर कार्ड वगैरह चल जाता है, कैश वगैरह भी चल जाता है। तो यहाँ चलते हैं, सबसे पहले ये मेन डिपार्टमेंट है, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं सारे मतलब बोन्स स्कल्स वगैरह सारे कुछ रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और सारे चीज़ का आइडेंटिटी इंग्लिश में लिखी हुई है प्रॉपर, आपको कैसे याद करना है क्या चीज़ें, तो आप देख सकते हो।
और इसके ऊपर क्या चीज़ें हैं, जैसे यहाँ नाम है, ठीक है, फर्स्ट है, तो फर्स्ट की यहाँ मार्किंग की हुई है कि आपका कौन सा चीज़ है, क्या क्या है, उसका नाम और मार्किंग वगैरह सारा कुछ किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारा कुछ, ये आप मतलब घूमते घूमते सारी चीज़ों को आप याद कर सकते हैं, बोन का सारा जो स्ट्रक्चर वगैरह है, क्या क्या चीज़ें, कौन सा बोन कैसे है, और अलग अलग फॉर्मेट में दिया हुआ है, अलग अलग चीज़ें हैं वो, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर होगा। एक काइंड ऑफ म्यूज़ियम है जहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, और यहाँ पर बोन्स वगैरह मतलब प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, और ये जो स्केलेटन वगैरह है वो प्रॉपर ह्यूमन स्केलेटन है, ऐसा नहीं आर्टिफिशियल है बनाया हुआ है, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। प्रॉपर डिपार्टमेंट जहाँ पर बोन्स की प्रॉपर सारी स्पेशलाइजेशन रखी हुई, सारे कुछ बोन्स वगैरह का रखा हुआ है, ये पूरा काइंड ऑफ म्यूजियम है और स्टोर्ड है। और दूसरी चीज़ें यहाँ पर ये खासियत है कि जो भी आपका जो बोन्स वगैरह हैं, जैसे ये बोन्स है और इसकी नंबरिंग की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो लाइनिंग से 10th है, 16 है, 15 है, और इसके नीचे नंबरिंग की हुई है कि जो जिसकी नंबरिंग है उसका क्या नाम है, तो ये सारा चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है। इवन दूसरी चीज़ें ये है कि प्रॉपर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको रशियन में लिखा हुआ है। ओके, तो गाइस हमारे पीछे है ये ऑर्गन डिपार्टमेंट है समारा का, जहाँ पर कि मतलब अनाटमी डिपार्टमेंट में ऑर्गन्स जो रखे जाते हैं, और ये सारे ऑर्गन्स प्रिजर्व हैं बिल्कुल। और जो नीचे वाला डिपार्टमेंट मैंने दिखाया था वो डिपार्टमेंट एक्चुअली बोन्स का था, तो ये दोनों डिपार्टमेंट दोनों में डिफरेंस है, और मैं दिखाता हूँ कि ऑर्गन डिपार्टमेंट किस तरह से बनाया हुआ है बच्चों के लिए, और जो आपका क्या बोलते हैं बोन्स का डिपार्टमेंट है वो किस तरह से वैरी करता है दोनों में। और तीसरा ये है कि मॉर्गेज जो यहाँ पर बच्चों को दिखाया जाता है रिसेंटली, वो अभी नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैंने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से बात किया, तो उन्होंने ये बोला कि अभी हमें परमिशन नहीं है बच्चों के लिए ऑपरेट करने के लिए, जब हम ऑपरेट करने के लिए मिलेगा तब, क्योंकि हम एक्चुअली उसको प्रिजर्व करके रखे हैं, और नेक्स्ट टाइम आप आना टाइम बता के मुझे, तो मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा। ये सारे प्रिजर्व्ड ऑर्गन्स हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पर समारोह में, आपको ये दिखाया जाता है कि सारे पार्ट्स कैसे हैं हमारे बॉडी के, और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। इवन आप कभी भी आके इनसे टीचर से पूछ के आप इनको एसेस कर सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे। तो गाइज़ ये है हमारे सामने डेड बॉडी जो प्रॉपर प्रिजर्व करके रखा हुआ है, जहाँ पर हम देखते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ ये कि डेड बॉडी कैसे रखा हुआ है। और जब हम एक बार जब अपना जो अनाटमी क्लास होती है यहाँ पर उसको करने के बाद, जब आपको डेड बॉडी दिखाने के बाद जो चीज़ें पढ़ा दी जाती है, उसके बाद आप इस डिपार्टमेंट में आके ऑर्गन्स को अच्छे तरीके से देख सकते हो। देखने के बाद आप उसको अजम्पशन लगा सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे थी, तो ओवरव्यू करने के लिए एक पूरा डिपार्टमेंट एज अ म्यूजियम की तरह बनाया हुआ ऑर्गन्स का, और काफ़ी बच्चों को हेल्पफुल होता है। जो बच्चे यहाँ से आते हैं वापस ये देखते हैं ऑर्गन्स क्या है, रियलिटी में कैसे है, किस तरह से काम करता है, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी दिखाता हूँ कि ये चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये ऑर्गन है और यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा हुआ है, और इनके नाम्स वगैरह नेम्स वगैरह सारा कुछ लिखे हुए हैं कि कैसे कौन सा नेम्स वगैरह क्या है नहीं है, तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्प मिलते हैं बच्चों को। तो आई होप कि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर स्मारक के अंदर, जब आप अनाटमी डिपार्टमेंट में पढ़ते हो तो मेरे पीछे देख सकते हो कि अनाटमी डिपार्टमेंट काफ़ी स्पेशियल और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है बच्चों को पढ़ने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो आपको थ्योरी से पढ़ना होता है फर्स्ट ईयर में जब अनाटमी में पढ़ते हो। अनाटमी की बात होता है कि आपका बेसिक अजम्पशंस लगाने के लिए कि हाँ कौन सा ऑर्गन कैसा है, कैसे काम करता है, क्या चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ों के लिए दो दो तीन फॉर्मेट यहाँ पे बनाए हुए। सबसे पहला फॉर्मेट ये है कि आपके पास जो आर्टिफिशियल स्केलेटन वगैरह या आर्टिफिशियल जो चीज़ें बनाई है उसको आप देख सकते हो। उसके बाद नहीं होता है तो जो प्रिजर्व फॉर्म में जो ऑर्गन्स हैं उनको आप पढ़ सकते हो, जो हमारे पीछे लगा हुआ बिल्कुल भी। और ये टीचर्स आपको जब भी आपको कोई ऑर्गन चाहिए होता है तो आप उनसे परमिशन लेते हो, उसके बाद आप उसको देख के आराम से पढ़ सकते हो। और उसके ऊपर लेबलिंग की होती है हर ऑर्गन के पीछे कि इसके पीछे ये नाम है, ये नाम है,
और उसको इंग्लिश में और रशियन में दोनों में किया हुआ, तो आपको दिक्कत नहीं होता। उसके बाद जैसे पूरा जो बॉडी होता है, पूरा बॉडी मैंने दिखाया कि आपको जो पूरा बॉडी है वो पूरा मॉर्गेज एकदम कंप्लीट मतलब प्रिजर्व करके रखा हुआ है। जब एक बार आपको दिखा दिया जाता है तो बार बार टीचर आपको उसके पास नहीं जाएगा, लेकिन वही सेम टाइप का डेड बॉडी इसको यहाँ पर प्रिजर्व करके रखे हैं, और फिर आप उसको देख के आप आसानी से उसको रिकॉल कर सकते हो कि मेरा टीचर उस टाइम आपको ये बताया था। तो जो अनाटमी डिपार्टमेंट है समारा का, वो काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप्ड है और बच्चे पढ़ते हैं और काफ़ी हेल्प मिलता है। आज के डेट में जो मॉर्गेज है वो मैं नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आपको दिखाने का कोशिश किया हूँ और दिखा पाया हूँ। और आई होप कि ये वीडियो जो भी स्टूडेंट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको आइडिया लग पाएगा इन सब चीज़ों का कि कैसा है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एनाटॉमी डिपार्टमेंट। मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट जो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का है वो काफ़ी डेवलप्ड है और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो इंटरनल जो बच्चों के लिए प्रोवाइड किया गया है सारी चीज़ें एज अ लर्निंग पर्पज़ के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपको हर एक चीज़ मिलेगा यहाँ पे आके। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।